दीपक भाई, पूर्व जन्म होता है उसका वैज्ञानिक प्रमाण क्या है? और तो दादाजी को एक आदमी ने पूछा था, माइक्रोबायोलॉजिस्ट था फ्रेंच का, दादाजी को बता पुनर्जन्म है, हम हिंदुस्तान में घूमते हैं मगर मुझे कोई प्रूफ नहीं देता है, बोलते हैं मगर प्रूफ नहीं देता है, तो क्या प्रूफ है उसके? दादाजी बोलते हैं कि आप औरंगाबाद से दादाजी बॉम्बे आ रहे थे, तो आदमी वो साइंटिस्ट था वो भी उनके साथ था, मुझे आप समझाओगे? तो मैं आपके साथ 5 साल रहना चाहता हूँ। नहीं नहीं मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो मैं 10 साल आपसे रहूँगा। नहीं नहीं मुझे उतना टाइम है ही नहीं, तो आप कभी मुझे समझाओगे? आप बॉम्बे उतरते हो उतने टाइम में आपको समझा दूंगा, मैंने साइंटिस्ट थे वो तो। दादाजी ने उनको बताया आप साइंटिस्ट हैं तो आप ज़रूर समझ सकोगे, ये माइंड बॉडी एंड स्पीच आर इफेक्टिव, आपको लगता है इफेक्टिव यानी नहीं, एकदम ठंडी हवा आती है तो हमें लगता है कि ज़्यादा ठंडी लगती है, तो शरीर इफेक्टिव है, मन को भी छोटा, मन को भी नहीं, कुछ अपमान किया किसी ने आज, तो 6 दिन के बाद वापस याद आता है इसने मेरा अपमान किया था, दुख शुरू हो जाता है, तो मन भी इफेक्टिव है और स्पीच भी इफेक्टिव है, बुरे शब्द या अच्छे शब्द बहुत असर होती है आदमी को, तो मन वचन काया इफेक्टिव है, छोटा बच्चा है उसके भी मन वचन काया इफेक्टिव है, नहीं छोटे बच्चे को कड़ू कुछ दिया तो फुर करके निकालेगा, मीठा दिया तो चुप 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 खा जाता है, तो गर्भ में भी बच्चा इफेक्टिव है, गर्भ में भी इफेक्टिव है। तो फिर दादाजी ने ये पछताया कि तो विदाउट कॉजेस कभी इफेक्ट आ सकती है, कुछ भी इफेक्ट भुगतनी पड़ती है तो कॉजेस होना ही चाहिए, तो कॉजेस पूर्वभव में होते हैं, इफेक्ट इस लाइफ में आती है, तो माइंड स्पीच बॉडी इफेक्ट बताते हैं, उसमें राग द्वेष करता है, जैसे खाना खाया कड़ी अच्छी लगी, अरे बहुत अच्छी मजा आ गई आज तो, और नहीं मजा सब पैसे गिर गए, कुछ फालतू क्या बनाते हैं ये लोग, तो ये द्वेष करता है या राग करता है वो कॉजेस है, और खाना पीना जो मिलता है सुख दुख भुगतना पड़ता है सब इफेक्ट है, तो इफेक्ट के टाइम कॉजेस करता है, कॉजेज एंड इफेक्ट, इफेक्ट एंड कॉजेज, कॉजेज एंड इफेक्ट, इस संसार में जन्म जन्मांतर भुगतने पड़ते हैं। और अभी मुक्ति किसको बोला जाता है, हम कॉजेज बंद कर दिए और इफेक्ट भुगत ली तो फिर मोक्ष होके रहेगा, नया कॉजेज डाला ही नहीं तो नई इफेक्ट मन वचन काया रूप से आएगी ही नहीं तो मोक्ष होएगा। तो ये कॉजेज को ये विज्ञान कॉजेज बंद करने का बताता है, कैसे कॉजेज बंद कर सकते हैं, कॉजेज बंद हो गए तो इफेक्ट भुगत लिया, बाद में मोक्ष होके रहेगा।